Saranam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jai Mudirayet Sri Ganeshaya Namaha Namasri Shankara Ananda Gurupadam Bhujanmane Savilasa Maha Mohagra Hagra Saika Karmane Panchadashi kar Sri Vidyaranya Swami Mahabhag Virachit Yadvut Granth Hridayangam karne yogya hai. Isme 15 prakaran hai. Shukla paksh mein 15 tithiyan hoti hain. Krishna paksh mein 15 tithiyan hoti hain. Shukla paksh mein चंद्रमा उत्तरोत्तर अपनी कला में वृद्धि को प्राप्त होते हैं अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादन की भावना से 15 प्रकरणों में पंचदशी की संरचना की गई है प्रत्येक प्रकरण को विवेक दीप और आनंद के क्रम से गुंफित किया गया है आरंभ के जो 5 प्रकरण हैं उनके नाम के आगे विवेक शब्द का प्रयोग किया गया है मध्य के जो 5 प्रकरण हैं उनके नाम के आगे दीप शब्द का प्रयोग किया गया है अंतिम जो 5 प्रकरण हैं उनके नाम के आगे आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है विवेक दीपानंद एक प्रकार से पंचदशी का नामकरण सिद्ध होता है सदद्वैत की प्रधानता से चिदद्वैत की प्रधानता से आनंदाद्वैत की प्रधानता से 5 प्रकरण इसमें सन्निहित हैं पूरी पंचदशी का सारांश यह है कि ब्रह्मात्म तत्व अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है सत होता हुआ अद्वय चित होता हुआ अद्वय और आनंद होता हुआ अद्वय है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम् सच्चिदानंद मात्रम आदि श्रुतियों के अनुशीलन से ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीय सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है इसका जो प्रथम प्रकरण है शेष 14 प्रकरण की भूमिका के रूप में है आधारशिला के रूप में है ऐसा समझना चाहिए
निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ संपन्न हो तथा हरि गुरु के प्रति कृतज्ञता का ख्यापन हो, साथ ही साथ मंगलाचरण के ब्याज से ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का भी सांकेतिक वर्णन हो, इस अभिप्राय से हरिगुरु का स्मरण किया गया है। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। श्री समलंकृत ब्रह्म विद्या समलंकृत शंकरानंद नामक गुरु देव के पाद पद्म का नमन ग्रंथकार को अभीष्ट है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो मेरे पूज्य गुरुदेव शंकरानंद हैं, लेकिन गुरु को नमस्कार करने की प्रशस्त परंपरा यह है कि उनके चरण कमल की वंदना की जाए। चरण कमल की वंदना से, चरण कमल में नमस्कार निवेदित करने से, स्वयं को समर्पित करने से गुरु की वंदना पूर्ण हो जाती है। शंकरानंद गुरुदेव का नाम है। शंकर स्वरूप होते हुए आनंद रूप शंकरानंद, शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, यह मांडुक्य उपनिषद है। भगवान के तीन नाम हैं, शिव, शंकर, प्रलयंकर। शिव नाम स्वरूप प्रधान है, शंकर नाम स्वभाव प्रधान है, प्रलयंकर नाम प्रभाव प्रधान है। यहाँ शंकर स्वभाव प्रधान नाम का उल्लेख किया गया है। सूर्य प्रकाश स्वरूप होते हैं, उष्ण होते हैं, प्रकाश और उष्णता को विकीर्ण करना उनका स्वभाव होता है। अंधकार और शीत का निवारण करना प्रभाव होता है। प्रतिबंधक न हो तो स्वरूप के अनुरूप स्वभाव, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। शम कल्याण को कहते हैं, सर्विध उत्कर्ष को कहते हैं, उसको करने वाले निश्रेयस अपवर्ग संज्ञक कैवल्य मोक्ष को देने वाले शंकर हैं। और यो वै भूमा तत्सुखम आदि श्रुतियों के आधार पर सुखमस्यात्मनोरूपम आदि भागवत वचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्मरूपता, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा और प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का अचंचल निश्चय होने पर द्वैत का सर्वथा अपरोधन हो जाता है। आनंद का अवरोधक अविद्या, काम, कर्म तीनों का उच्छेद हो जाता है, तब आनंद की निरावरण अभिव्यक्ति होती है और विदेह कैवल्य दशा में साक्षात आनंद स्वरूप होकर ही
जीव शेष रहता है, इसलिए यह तत्पदार्थ त्वम पदार्थ दोनों के लक्ष्यार्थ को लेकर एकत्व का ख्यापक शब्द भी है शंकरानंद। उससे पहले श्री का प्रयोग किया गया, श्री शंकरानंद सोपाधिक भूमि में पराविद्या विशुद्ध सत्व की उपाधि से युक्त भगवत तत्व होता है, तो वाच्यार्थ का भी निरूपण कर दिया। तत्पदार्थ वाच्यार्थ भूमि में सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होता है, यह भी संकेत कर दिया। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय शिवात्म तत्व है, जो कि सर्वथा अद्वय है, संकेत करके इसका भी निरूपण कर दिया गया। सविलास महामोह ग्राहक ग्रासिक कर्मणे, अब शिव तत्व का स्वभाव तो शंकर है, शिव स्वरूप प्रधान शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, लेकिन प्रलयंकर जो है वो प्रभाव प्रधान नाम है। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों का उच्छेदक। यहाँ पर अब प्रभाव गुरुदेव जो श्री शंकरानंद हैं उनके चरण कमल वंदनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ उन्हें, भला किस गुण पर रिझ कर तो प्रभाव का वर्णन करते हैं। सविलास महामोह ग्राहक ग्रासिक कर्मण, विलास सहित जो महामोह है वह ग्राह है, उसको ग्रस लेना, विलुप्त कर देना, विदीर्ण कर देना, उच्छिन्न कर देना, एकमात्र जिनका सर्वोत्कृष्ट कर्म है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव के स्वरूप का स्वभाव का प्रभाव का वर्णन किया गया। जो गुरु तत्व का स्वरूप स्वभाव प्रभाव होता है, तत्वज्ञान प्राप्त शिष्य का भी वही स्वभाव प्रभाव स्वरूप सिद्ध होता है। प्रकारांतर से ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का भी ख्यापन कर दिया गया। आगे रामकृष्ण टीकाकार लिखेंगे कि अमुक प्रकरण से अमुक प्रकरण तक ये रचयिता कोई अन्य है, उनका नाम लेंगे। तो ग्रंथकार के और उनके गुरुदेव के भी अनुग्रह प्राप्त श्री रामकृष्ण टीकाकार अपनी ओर से अब वंदना करते हैं। ग्रंथकार ने जो श्री शंकरानंद की वंदना की वो तो है ही, लेकिन ये दोनों की वंदना करते हैं। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ प्रत्यक्ष तत्ववेकस्य क्रियते पद दीपिका। तत्व विवेक नामक यह प्रथम प्रकरण है, तो मंगलाचरण की रचना टीकाकार अपनी ओर से करते हैं ताकि निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ के रचयिता का स्मरण करने पर ग्रंथ पर टीका पूर्ण हो सके। टीका करते समय उज्ज्वल भाव
की अभिव्यक्ति भी हो सके। भारतीय तीर्थ विद्यारण्य ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मननशील मनीषी हैं, इन्हें नमस्कार करता हूँ। या जो प्रत्यक्ष तत्व विवेक नामक प्रकरण है, इस पर मेरे द्वारा पद दीपिका की जाती है। संक्षिप्त रीति से पद पदार्थ का निरूपण किया जाता है। प्रारिरिप्सितस्य ग्रंथस्य अविघ्नेन परिसमाप्ति प्रचयगमनाभ्याम शिष्टाचार परिप्राप्तमिष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षणम मंगलाचरणम स्वेन अनुष्ठितम शिष्य शिक्षार्थम श्लोकेन उपनिबध्नाति अर्थात विषय प्रयोजने च सूचयति नम इति। टीकाकार ग्रंथकार के द्वारा विरचित मंगलाचरण की व्याख्या करते हैं। जिस ग्रंथ का प्रारंभ अभीष्ट है, प्रारिरिप्सितस्य ग्रंथस्य का अभिमत ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो, साथ ही साथ प्रचय गमनाभ्याम उसका प्रचार प्रसार हो, दोनों आवश्यक। एक तो ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए मंगलाचरण चाहिए, प्रतिबंधक अमंगल का निवारक मंगलाचरण होता है। साथ ही साथ ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न भी हो जाए, अधिकारी व्यक्तियों में उसका प्रचार प्रसार न हो, तो भी उसकी उपयोगिता बंद कक्ष में रखे हुए दीपक के समान सीमित रह जाती है। तो प्रशस्त रीति से देश देशांतरों में, क्षेत्र क्षेत्रांतरों में भी अधिकारियों तक वो ग्रंथ पहुंच सके, प्रचार का आस्था का विषय बन सके, इसलिए भी मंगलाचरण अपेक्षित है। तो दोनों विधा से ग्रंथ को निर्विघ्न पूर्ण करने की भावना से अधिकारियों में अधिक से अधिक प्रचार का विषय ग्रंथ बन सके, इस दृष्टि से मंगलाचरण ग्रंथकार ने किया है। साथ ही साथ शिष्टाचार परिप्राप्त मिष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षणम मंगलाचरणम, शिष्टाचार का परिपालन भी अपेक्षित है। इष्ट देवता और गुरु को स्मरण करना, इन्हें नमस्कार करना यह मंगलाचरण है, शिष्टाचार से प्राप्त है। शिष्ट माने सत्पुरुष, संप्रदायवित जितने मनीषी हैं, इन्होंने हरिगुरु की वंदना की ही है। हरिगुरु की वंदना से ही ग्रंथ की संरचना पूर्ण होती है। या जो शिष्टाचार है, इसका परिपालन भी मंगलाचरण के व्यास से हो जाता है। साथ ही साथ लोक संग्रह भी चाहिए। जो श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं, उनका अनुगमन करने वाले शिष्य प्रशिष्य होते हैं। शिष्य की शिक्षा के लिए हम जब हरिगुरु को नमस्कार करते हैं, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि हरिगुरु को नमस्कार करो। मेरे गुरुदेव ने जब हरिगुरु को स्मरण किया, तो मुझे करना ही चाहिए। इस प्रकार उस शिष्टाचार का निर्वाह शिष्य प्रशिष्य आदि भी करते हैं, तो उनको
शिक्षा देने के लिए कि तुम्हें भी हरि गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार श्लोक बद्ध किया, श्लोकेन उपनिबद्ध नाति, क्यों कहा, मन ही मन भी तो मंगलाचरण किया जा सकता था, लिपिबद्ध न करते तो शिष्यों को कैसे पता चलता, पाठकों को भी कैसे पता चलता कि मन में किस प्रकार का मंगलाचरण किया, किनका स्मरण किया। अतः केवल मानस ढंग से नमस्कार या मंगलाचरण ही नहीं, मन में सन्निहित जो हरिगुरु के प्रति आस्था है उसे श्लोकबद्ध भी कर दिया ताकि स्थायित्व को प्राप्त कर सके, प्रचय को प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, अर्थात विषय प्रयोजने च सूचयति, अर्थापत्ति प्रमाण की दृष्टि से मंगलाचरण के व्यास से, गुरु के मंगलाचरण के व्यास से, गुरु रूप ईश्वर के मंगलाचरण के व्यास से, उनके स्मरण के व्यास से, उनके नमस्कार के व्यास से, नमस्कार स्मरण मंगलवाचक हो जाता है। ग्रंथ के विषय और प्रयोजन को भी सूचित कर दिया। ग्रंथ का प्रतिपाद्य श्री शंकरानंद तत्व है, अर्थात हरि से अभिन्न जो गुरु तत्व है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा का एकत्व है, ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व, आत्मा स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का जो शोधित स्वरूप है, वही ग्रंथ का विषय है। और इस प्रकार के तत्व को श्रवण मन निध्यासन के द्वारा आत्मसात करने पर सविलास महामोह का आत्यंतिक उच्छेद होता है, जो कि ग्राह के समान है। सविलास महामोह, मोह का मूल होता है अज्ञान, महामोह हो जाता है अज्ञान, मोह मूल अज्ञान, अध्यास का भी मूल होता है अज्ञान, इसको अविद्या भी कहते हैं। अध्यासो विद्या कृतः, श्रीमद्भागवत में आया, अप्रोक्षानुभूति में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास अविद्या कृत है यह बताया है। मांडुक्य कारिका के भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास अविद्या कृत है यह बताया है। महाभारत में जो सनत सुजाती है, उसमें सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को बताया कि प्रमाद मृत्यु है। कुछ महानुभावों का कहना है कि मोह मृत्यु है, लेकिन मेरा कथन है कि मोह का मूल जो प्रमाद है, स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति, वही मृत्यु है। पुर्यष्टक से वियुक्त स्थूल शरीर का नाम लोग मृत्यु मानते हैं। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित पुर्यष्टक से विहीन हो जाए, स्थूल शरीर तो मौत है। वस्तु स्थिति क्या है, इस मौत के मूल में भी मोह सन्निहित है, उस मोह का मूल भी प्रमाद है। प्रमादो वही मृत्यु हो, उपनिषद में भी कहा गया। सनत सुजात ने कहा, कुछ लोग मोह को मृत्यु मानते हैं, लेकिन मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूँ। भगवान शंकराचार्य जी ने सनत सुजाती पर भाष्य लिखा, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा, कथा वार्ता सुनाओ, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्र महाभाग ने, तो मैंने कहा प्रमाद, प्रमा का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, यथार्थ बोध का जो दमन कर दे, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जनतवा। प्रमा शब्द का अर्थ यथार्थ विज्ञान भी होता है,
और अद्वैत अखंड विज्ञान भी होता है। तत्व परक भी प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है वेदांत परिभाषा आदि में, और तत्व ज्ञान के लिए भी प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, यहाँ पर भी दोनों अर्थों में हम ले सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो प्रमाद है यही महामोह है, और इसी के कारण फिर काम का उदय होता है, काम से फिर कर्म का उदय होता है, कर्म के गर्भ से फल की प्राप्ति होती है। अविद्या काम कर्म और इनके परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वगति अधोगति का ग्रास जी बनता रहता है, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा चलती रहती है। इसलिए यहाँ कहा कि गुरु के चरण की वंदना करते हैं, उन्हें चरण कमलों को का नमस्कार करते हैं, जाति में भी अगर मान लें तो चरण कमल की वंदना करते हैं, तब क्या होता है, गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है। गुरु के अनुग्रह से तत्वज्ञान प्राप्त होता है, तत्वज्ञान के अनुग्रह से क्या होता है, सविलास कार्य सहित अज्ञान का उच्छेद होता है, अर्थात मल विक्षेप आवरण ये अज्ञानकृत हैं। तो अज्ञान के सहित मल विक्षेप आवरण और मल विक्षेप आवरण के सहित अज्ञान का उच्छेद हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंत विलोप हो जाता है, या प्रभाव भी दिखाया, फल भी दिखाया, प्रभाव भी दिखाया। तो प्रयोजन यह हो गया, प्रयोजन क्या है वेदांत ग्रंथों का, कि सविलास महामोह का अत्यंत उच्छेद हो। विषय क्या है, श्री शंकरानंद तत्व, ब्रह्मात्म तत्व, हरि और गुरु के एकत्व का वर्णन जब समझ में आएगा तब क्या होगा, हमारे जीवन में भी उस एकत्व विज्ञान के बल पर गुरुत्व का संचार हो जाएगा। तो गुरु और ईश्वर के एकत्व का विज्ञान होने पर आत्मा, गुरु और ईश्वर तीनों के एकत्व का विज्ञान हो ही जाता है। इस प्रकार से अब श्री शंकरानंद, तो शंकर का अर्थ करते हैं सम, सुखम करोति ति शंकर, सम माने कल्याण, सुख उसे जो करता है वह शंकर हुआ, माने कल्याणप्रद, सम सुख सुखप्रद शंकर, सकल जगदानंद कर परमात्मा, सकल जगत को, जगत का अर्थ ले लें जीव जगत को, आनंद देने वाले परमात्मा हुए हैं, या शंकर आनंद हुआ। सम सुखम करोति ति शंकर, सकल जगत जगदानंद कर परमात्मा, परमात्मा का नाम शंकर आनंद हो गया, शंकर आनंद, आनंद स्वरूप होकर आनंदित करने वाले शंकर आनंद हुए, स्वयं आनंद स्वरूप हो और अन्यों को आनंदित करने में समर्थ हो, इस प्रकार शंकर आनंद हैं। क्योंकि आनंदा देव खलिमानी भूतानी जायन्ते, या जो जगत है आनंद स्वरूप परमात्मा का उल्लास विलास है। आनंदा देव खलिमानी भूतानी जायन्ते से सिद्ध होता है सकल जगदानंद कर भगवान है, परमात्मा है। यह तापापनोदन और आनंद का अभिव्यंजन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि शंकर आनंद पद से सिद्ध है। एष हेवानंदयाति इति श्रुतेह, यही सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है। श्रुति के बल पर भी वो जो भगवत तत्व है स्वयं तो सुखरूप है ही, आनंद स्वरूप है ही, लेकिन आनंद को प्रदान भी करता है,
स्वरूप वैभव के बल पर सबको आह्लादित करता है। इस प्रकार से आनंदा देव खलिवानी भूतानि जायन्ते एस ही एव आनंदयाति आदि श्रुतियों के बल पर परमात्मा की आनंद रूपता सिद्ध है। आनंद निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपः। अब आनंद ही समझना चाहिए कि परमानंद भी है। निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपः। आनंद को ही परमानंद रूप भी कह सकते हैं, वह परमात्मा स्वरूप है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं हुआ करती, अपने लिए होती है, लेकिन स्वयं में जो प्रीति होती है वो स्वयं के लिए ही होती है। एतावता पर प्रेमास्पद आत्मतत्व है। अन्यों में प्रीति तो है लेकिन अपने लिए, तो जगत अन्य जितने हैं देहेंद्री प्राणांतकरण या अभ्यंतर दृष्टि से बाह्य दृष्टि से स्त्री पुत्र आदि मकान दुकान आदि ये सब जितने सगे संबंधी हैं ये सब यहाँ तक कि देहेंद्री प्राणांतकरण भी, इनमें जो प्रीति है अनुकूलता की दशा में वो अपने लिए है। अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं है, तो आत्मतत्व शेषी होने के कारण पर प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? अभोग्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष होने के कारण, पर प्रेमास्पद होने के कारण आत्मा की परमानंद रूपता सिद्ध है। प्रत्यगात्मा, ऐसा कौन है? प्रत्यक होता हुआ आत्मा, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अंतरंग प्रत्यक, इनके साक्षी इनका अधिष्ठान होने के कारण प्रत्यगात्मा है। तो आनंद को लेकर दो पहली है। भागवत का कहना है सुखमस्यात्मनो रूपम, यह आत्मा सुख स्वरूप है। उपनिषद कहती है नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। छांदोग उपनिषद यह तो बृहदारण्यक है, छांदोग का कहना है कि यो वै भूम तत्सुखम, तो जो व्यापक तत्व है वो सुख रूप है, और यहाँ आत्मा सुख रूप है, तो सुख की पहली बड़ी विचित्र है। उधर द्वितीयाद्वै भयं भवति यह भी श्रुति है। तो जब तक आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय न हो, तब तक परमानंद की स्फूर्ति संभव नहीं है। अर्थात प्रत्यगात्मा आनंद का केंद्र है, लेकिन अवरोधक कौन है? द्वैत बुद्धि। इसलिए आत्मा की ब्रह्मरूपता का, ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता का जब तक बोध न हो, तब तक परमानंद की समुपलब्धि, निरावरण, अभिव्यक्ति कुंठित रहती है। शंकरश्च सावानंदश्च इति शंकरानंदः प्रत्यक अभिन्नः परमात्मा स एव गुरुः। हरि गुरु का एकत्व सिद्ध करते शंकर होता हुआ जो आनंद स्वरूप हो। इसका अर्थ क्या हुआ? एक हुआ स्वरूप, एक हो गया प्रभाव, स्वभाव प्रभाव। शंकर शंकरश्च असौ आनंदश्च शंकरानंद प्रत्यक अभिन्न परमात्मा स एव गुरु। सुख को अभिव्यक्त करने वाला हो, सुखस्वरूप होता हुआ सुखप्रद हो, सुखस्वरूप होता हुआ सुखप्रद होता है। इस प्रकार स्वरूप भी हो गया, स्वभाव भी हो गया, प्रभाव भी हो गया।
सुख रूप है तो सुख को उलेरना अभिव्यक्त करना उसका स्वभाव है। प्रभाव क्या है? सुखोपलब्धि से अशेष दुखों का उच्छेद। इस प्रकार परमात्म तत्व है, वह परमात्म तत्व ही यहाँ गुरु के रूप में स्फुरित है। हरिगुरु के एकत्व का वर्णन हो जाने से प्रकारांतर से आत्मा और ब्रह्म के भी एकत्व का वर्णन हो जाता है। परिपक्व मलायेतानुत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षाया दीक्षायाचार्य मूर्तिस्थ इत्यागमात। अब कहते हैं गुरु की भगवद रूपता, भगवान की गुरु रूपता का वर्णन आप करते हैं, भला किस अभिप्राय से, किस दृष्टि से? यहाँ शक्तिपात परक जो आगम है, शास्त्र का वचन, उसको टीकाकार ने उद्धृत किया। परिपक्व मला, ये जो परिपक्व मल हैं, मृदित कषाय शब्द का प्रयोग छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में किया गया है नारद जी के संदर्भ में। राग द्वेष आदि जो मल हैं वे पक गए हैं, जैसे मोतियाबिंद पक जाए तो ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है, इसी प्रकार अपनोदन के लिए इनकी परिपक्वता चाहिए। तो जो मल विक्षेप से रहित हो चुके हैं ऐसे जो हैं, उनके जीवन में उनके ऊपर अनुगत शिष्य के ऊपर, मल विक्षेप विहीन शिष्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शक्तिपात के द्वारा क्या करते हैं? तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेषित चेतसाम ज्ञान दीपे ने भास्वता। ये सब शक्तिपात की प्रणाली का वर्णन संक्षेप में गीता में किया गया। गुरु शक्तिपात करते हैं। तत्त्वमस्यादि महावाक्य का मल विक्षेप रहित ब्रह्म जिज्ञासु को उपदेश करना भी शक्तिपात है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य, यह भी शक्तिपात है। दो तीन ढंग से शक्तिपात होता है। गर्मी के दिनों में हवा चलने पर वन में बांस आपस में रगड़ खाकर अग्नि को उत्पन्न कर देते हैं, दावानल उसको कहते हैं। अग्नि तो उनमें सन्निहित है लेकिन घर्षण के द्वारा, वायु के आवेग से घर्षण के द्वारा आग की उत्पत्ति हो जाती है। ये वह अंतः सन्निहित अग्नि की स्फूर्ति, एक शक्तिपात का स्वरूप यह है। शक्ति की अभिव्यक्ति अंतर्निहित वस्तु की स्वतः अभिव्यक्ति हो जाए उत्तेजक हेतु को पाकर, एक शक्तिपात का स्वरूप यह है। दूसरा यह है कि हम भोजन बनाते हैं, ईंधन में प्रज्वलित अग्नि जो पहले से है उसका स्पर्श करा देते हैं, तो बाह्य अग्नि का स्पर्श हो जाने पर क्या होता है, वो ईंधन काष्ठ जलने लगता है, दारू जलने लगता है। उसके घर्षण से तो आग नहीं पैदा हुई, हम तो माचिस आदि से अन्यत्र काष्ठ के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करते हैं, उस अग्नि का संश्लेष हो जाता है। तो गुरु अपने जीवन में जो शक्ति उच्छलित है वो संकल्प पूर्वक शक्ति का आधान कर देते हैं शिष्य के हृदय में। वो शक्तिपात बाहर से अंदर हुआ, एक अंदर से ही बाहर, अंदर जो आग है, अंतर्निहित जो दारू है, दारू में अग्नि है, उसको उद्दीप्त करने के लिए बाह्य अग्नि का संश्लेष हुआ। और वन में वृक्षों के रगड़ से, शाखाओं के रगड़ से, वेणु वन बांस के वन में विशेष करके क्या होता है, अंतर्निहित आग प्रकट हो जाती है। तो अग्नि का आधान करके अंतर्निहित अग्नि को दीप्त करना, अंतर्निहित अग्नि को घर्षण आदि के द्वारा, वायुकृत घर्षण के द्वारा प्रकट कर लेना, तो दोनों है।
मैचबॉक्स की तिल्ली निकालकर फास्फोरस युक्त भाग से घिस देते हैं तो क्या होता है, आग प्रकट हो जाती है, अग्नि अलग अलग प्रकट करके फिर दूसरे काष्ठ में उसका दहन कर देते हैं। दो बांस आपस में टकराए, वायु वेग से आग उत्पन्न हो गई। अब अन्य बांस, अन्य वृक्ष जो हैं उनके घर्षण से तो आग उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन एक जगह अग्नि उत्पन्न हो गई, वो दूसरे दारू को लगते लगते पूरा वन जलने लग जाता है। इसी प्रकार कहीं अभिव्यक्त अग्नि है तो अनभिव्यक्त अग्नि वाले जो दारू हैं उनमें भी अग्नि का आधान हो जाता है। इस प्रकार से अंतर्निहित शक्ति का उच्छलन साधन करते करते एक शक्तिपात की प्रक्रिया यह है, दूसरे ऊपर से आधान करके गुरु अपने संकल्प के द्वारा अधिकारी के हृदय में शक्ति को उद्दीप्त कर देते हैं, यह शक्तिपात है। योजयत परे तत्वे परम तत्व, जो ब्रह्म तत्व है उसमें दीक्षा के द्वारा आचार्य मूर्ति में स्थित होकर, गुरु कौन, ईश्वर ही, आचार्य मूर्तिस्थः इति आगमात्। क्योंकि योग दर्शन ने कहा कि पूर्वजों के भी पूर्वज जैसे होते हैं, ऐसे गुरुओं के भी गुरु कौन है, भगवान। देश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम योग दर्शन के अनुसार ईश्वर है। तो ईश्वर जो हैं गुरुओं के भी गुरु हैं, हम लोगों के यहाँ भी श्रीमन नारायण प्रथम गुरु हैं, इष्ट भी वो हैं, गुरु भी हैं, वहाँ पर इष्ट और गुरु का एकत्व है। अर्जुन के जीवन में भी इष्ट और गुरु का एकत्व हो गया, श्री कृष्ण इष्ट भी हैं और गुरु भी हैं, भगवान श्रीमन नारायण के अवतार होने के कारण इष्ट हैं, उपदेश दे दिया, किसी किसी को साक्षात इष्ट से ही उपदेश मिल गया तो सौभाग्यशाली। जैसे ब्रह्मा जी को नारद, किन से, नारद आदि अपने शिष्यों से नहीं, अपने गुरु उद्गम स्थान कौन, श्रीमन नारायण, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वे मुह्यंत यत सूरय, हृदय माने मन शैव, यह शक्तिपात की विधा है। भागवत का प्रथम श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि का वे मुह्यंत यत सूरय। तो भगवान उपनिषदों के अनुसार भी ब्रह्मा जी के हृदय में क्या करते हैं, संकल्प मात्र से वेद को स्फुरित कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ कि गुरु के दीक्षा के जो आचार्य हैं उनके माध्यम से भी शिष्य के संताप को हरने वाले वे वास्तव में ईश्वर ही होते हैं, अंतर्यामी ईश्वर ही, गुरुदेव के अंतःकरण और वाग इंद्री को निमित्त बना करके फिर शिष्य को ये संताप को दूर करने के लिए तत्व का उपदेश करते हैं। श्री मांसौ शंकर आनंद गुरु चेति गंधद्वीप इत्यादिवत समास, गंधद्वीप आदि के समान यहाँ पर समास है। श्री शंकरानंद शब्द का जो प्रयोग किया गया वो समस्त है, श्रीमान होते हुए शंकर के शब्द, पहले श्री एक, शंकर दो और आनंद तीन, तीन शब्दों में समस्त पद करने पर क्या होगा, श्री शंकर आनंद, शंकर होते हुए आनंद, ऊपर से लेंगे तो अंतिम पद जो है आनंद, आनंद होते हुए शंकर और शंकर आनंद होते हुए श्री, ऐसा आनंद स्वरूप हो गया, शंकर हो गया स्वभाव प्रभाव, लेकिन स्वभाव प्रभाव का अभिव्यंजक संस्थान कौन है, श्री, श्रीमान होते हुए शंकर होते हुए आनंद रूप जो हैं और फिर वह गुरु रूप भी हैं। इस प्रकार से गंधद्वीप इत्यादि में जैसे समस्त पद का प्रयोग माना जाता है, समास की विधा है, वैसे समझना चाहिए। अनेन श्री गुरोः अणिमाद्येश्वरी संपन्नत्वं सूचितम्। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान जो होते हैं वो सदैश्वर्य संपन्न होते हैं, सदैश्वर्य संपन्न, संपूर्ण यश ज्ञान वैराग्य धर्म आदि भगवान में निवास करते हैं। श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य,
सदैश्वर्य संपन्न होते भगवान। इसी प्रकार यहाँ कहा कि अणिमा लघिमा इत्यादि जो ऐश्वर्य हैं उनसे संपन्न होते हैं। अनेन श्री गुरोः अणिमाद्यैश्वर्य संपन्नत्वं सूचितम्। हमने अर्थ किया था श्री माने ब्रह्म विद्या, सबसे बड़ी श्री है वो, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, क्योंकि सदैश्वर्य में ज्ञान भी है वैराग्य भी है। अणिमा इत्यादि की सिद्धि से भी संपन्न गुरु होते हैं। इस प्रकार से गुरु के उत्कर्ष को द्योतित करने के लिए और भगवान की दृष्टि से कहें तो भगवान के उत्कर्ष को श्री माने विशुद्ध सत्व भी होता है, विशुद्ध सत्वोपाधिक भगवान होते हैं। गुरु को भगवद रूप मान लिया तो गुरु भी अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, क्योंकि विशुद्ध सत्व जो है वह ऐश्वर्य का भी व्यंजक संस्थान है। यदवाश्रिया भूतिया शंकरोति शंकर, अथवा तृतीया को लेकर श्री के द्वारा भूति के द्वारा जो शम करोति शंकर, शम करते हैं मन कल्याण करते हैं वो शंकर हो गए। क्योंकि धनी व्यक्ति किसी पर अनुग्रह करेगा तो उसे धन देकर, इसी प्रकार विद्वान किसी को पर अनुग्रह करेगा तो विद्या प्रदान करेगा, इसी तरह से यहाँ समझना चाहिए। क्या है श्रिया माने भूत्या, विभूति के द्वारा, भूति के द्वारा श्री माने भूति विभूति, शम करोति श्री के द्वारा भूति के द्वारा जो शम करते हैं कल्याण करते हैं वो शंकर हैं। रात्रिर धातु परायणम श्रुते है, इस श्रुति से भी सिद्ध है, अर्थात श्री के द्वारा ही कोई भी दाता क्या करता है, जो उसके पास निधि होती है उसको देता है। तो श्री के द्वारा व्यक्ति कल्याण करता है, धनी की कृपा का अर्थ क्या है, धन देना, विद्वान की कृपा होगी माने विद्या प्रदान करना। जिसके पास जो श्री है, वैभव है, दिव्यता है, कला है, विद्या है, उसे वो जब देता है तो उसे पर अनुग्रह माना जाता है, उसकी कमी की पूर्ति हो जाती है उससे। अनेना श्री गुरोर भक्तेष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति। इस प्रकार यह सिद्ध होता है गुरो हो भक्ते है भक्तेष्ट संपादने सामर्थ्यम सूचितम भवति। जो भक्त हैं अनुगत शिष्य हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने में समर्थ गुरु होते हैं। इसका अर्थ है कि वो विद्या वैभव से युक्त होते हैं, शिष्य के संताप को दूर करने में समर्थ होते हैं। यह है गुरु के सामर्थ्य का वर्णन श्री का प्रयोग करके किया। तस्य गुरोः पादावेवाम्बुज जन्म कमलम तस्मै नमः प्रभवी भावोस्ति। ऐसे जो गुरुदेव हैं उनके पाद चरण कम चरण ही कमल से, अम्बुज जन्म माने जल से जन्मा हुआ कमल पद्म सहित हैं, ऐसे गुरु के प्रति हम नमन करते हैं। नमः प्रभवी भावोस्तु, हमारा क्या है नमन हो, अर्थात हम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के सहित स्वयं उनके प्रति समर्पित हो, शरणागति प्रपन्नता का द्योतक नमः शब्द है। किम विधाय, अब कहते हैं भला किस प्रकार सविलास महामोहग्राह ग्रासैक कर्मणे, सविलास महामोह रूप जो ग्रह है उसको ग्रस लेना एकमात्र जिनका प्रमुख काम है, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल वंदना वंदनीय हैं, उनका मैं नमन करता हूँ वंदन करता हूँ।
सविलास माने विलास के सहित, तो विलास क्या चीज है जी, कार्य वर्ग है, विलासा विलासा माने कार्य वर्ग है, कार्य वर्ग तेन सह वर्तते इति सविलास है, उस कार्य के सहित जो रहता है वो सविलास है कार्य सहित। एवं विधो यो महामोहो मूलाज्ञानम, तूलाज्ञान मूलाज्ञान ये सब मोह का भी मूल अज्ञान है महामोह। इस प्रकार जो महामोह है, महामोह माने मूल अज्ञान है, जिससे काम और कर्म की निष्पत्ति होती है, अध्यास होता है, फिर कर्म की सिद्धि होती है, कर्म की सिद्धि से शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभाशुभ फल के लिए फिर विविध प्रकार के ऊर्ध्व मध्य अधम अधः कोटि के शरीर की प्राप्ति होती है, जन्म मृत्यु की अदस्य अनादि परंपरा चलती रहती है, सबके मूल में महामोह रूप अज्ञान है। मूलाज्ञान अनुसार एवं ग्राह वही ग्राह है, मकरादिवत स्ववशम प्राप्तस्य अतीव दुःख हेतुत्वात्, मकर इत्यादि होता है उसके वश में जो हो जाता है, जिसको पकड़ लेता है उसके अत्यंत दुख में जैसे हेतु बनता है, उसी प्रकार महामोह जो है वो बिल्कुल ग्राह के समान है, जिसको लग जाए उसको अनादि काल से तो लगा ही हुआ है, अजस्र जन्म मृत्यु के चक्र व्यूह में देह और अधोगति में हेतु बना बन जाता है। कौन? महामोह, अर्थात संस्कृति चक्र का निर्वाहक बन जाता है वो महामोह। लेकिन ऐसा प्रबल जो ग्रास जिसके वशीभूत हो ग्राह, उस ग्राह उस जिसके वशीभूत होकर जीवन आदि काल से भवाटवी में भटक रहा है, भवसिंधु में गोता खा रहा है, ऐसे प्रबल ग्राह को भी ग्रस लेना, जैसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया ग्राह के चपेट से, जिनका एकमात्र मुख्य कर्म है वो व्यापार है, ऐसे गुरु के लिए, गुरु के चरण कमल के लिए नमस्कार। ग्रासो ग्रसनम स एवै का मुख्यम कर्म व्यापारो यस्य तत्तथा तस्मै इत्यर्थः। ऐसे अत्र च शंकरानंद पदद्वय सामानाधिकरण्येन जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणो विषयः। अब कहते विषय और प्रयोजन किसे देवी बंगलाचरण के व्यास से ग्रंथकार ने कर दी। शंकरानंद जो पदद्वय है, शंकर और आनंद दो पद हैं, इनका सामानाधिकरण हो गया, तब समस्त पद में शंकरानंद बन गया। शंकर होता हुआ आनंद, आनंद होता हुआ जो शंकर है, इस प्रकार से एक जीव का एक ब्रह्म का द्योतक भी हो गया, और दोनों का सामानाधिकरण हो जाने से क्या हुआ, एकत्व का भी ग्रहण हो गया। शंकरानंद पदद्वय सामानाधिकरण्येन जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणो विषयः। शंकर आनंद पद के अर्थ में भेद होने पर भी दोनों एक हो जाने पर एकार्थक हो गए, ऐसे ही आनंद स्वरूप शंकर, शंकर रूप आनंद दोनों का एकत्व हो गया, तो जीव और ब्रह्म का भी एकत्व हो गया। त्वम पद के लक्ष्यार्थ का तत्पद के लक्ष्यार्थ से ऐक्य हो गया, सामानाधिकरण हो गया, मुख्य सामानाधिकरण और बाद सामानाधिकरण दो प्रकार का होता है। देहेंद्री प्राणांतःकरण का जब ब्रह्म से एकत्व होता है तो इनका बाध करके, और त्वम पद के लक्ष्यार्थ का तत्पद के लक्ष्यार्थ से जब एकत्व होता है तो घटाकाश मठाकाश का एकत्व महाकाश से जैसे होता है, घटमठ की उपाधि का परित्याग करके तद्वत होता है। जीवस्य भूम ब्रह्म रूपतया अपरिच्छिन्न सुखाविर्भाव लक्षणम प्रयोजनं च सूचितम यो वै भूम तत्सुखम। अब साथ में अध्याय छांदोग श्रुति के अनुसार कहते हैं भूम ब्रह्म रूप जो जीव है अपरिच्छिन्न, वस्तुतः तो जीव होता हुआ भी तात्विक दृष्टि से देखें तो
लक्ष्यार्थ भूमि में भूमा ब्रह्म माने विभु ब्रह्म ही है, अपरिच्छिन्न ही है, वस्तुकृत देशकृत कालकृत परिच्छेद से शून्य ही है, उसको असीम अक्षय प्रतिरोध शून्य बाधक शून्य सुख का आविर्भाव हो, यही तो प्रयोजन है। समस्त दुखों का अत्यंतिक उच्छेद और परमानंद का स्फुरन जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद है। सविलासोत्यादिना निःशेषा अनर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनं मुखतः एव अभिहितम। अब मुखतः माने इसमें हमको बल लगाना नहीं पड़ रहा है। टीकाकार कहते हैं स्वभावतः मुख से, स्वमुख से, व्यंग्यार्थ या लक्षणार्थ, लक्षणार्थ की बात नहीं, लक्षणारूप अर्थ की बात नहीं, साक्षात ही कह दिया। सविलास इत्यादि से निश्चेष अनर्थ की निवृत्ति जो है प्रयोजन है। विषय के कथन में तो कुछ द्राविड़ प्राणायाम भी करना पड़ा, लेकिन प्रयोजन का तो अपने मुख से ही साक्षात वर्णन कर दिया। गुरु के चरण कमल की वंदना करते हैं, गुरु कौन है, फिर गुरु के लक्षण ले गए ईश्वर में, ईश्वर का लक्षण ले गए ब्रह्मात्म तत्व में। इस प्रकार से विषय के प्रयोजन में अधिक परिश्रम करना पड़ा, विषय विषय की सिद्धि में। प्रयोजन को तो साक्षात अपने मुख से ही कह दिया, उसमें कोई विशेष आयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। सविलास इत्यादि ना निःशेषानर्थ निवृत्ति लक्षणम प्रयोजनम मुखतः एव अभिहितम। अनर्थ जितने निःशेष माने संपूर्ण अनर्थ की अत्यंत की निवृत्ति या प्रयोजन है ग्रंथ का, यह तो अपने मुख से ही कह दिया गया। नारायण। लो जी, 5 घंटे हुए।